तो दोस्तों, दुकान के जैसा एग रोल खाना है तो आइए इस लॉकडाउन पे आज हम दुकान के जैसा ही घर में एग रोल बना के तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से एग रोल कैसे बनाए जाते हैं अपने घर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसमें मैदा ले लिया, जो मैदा होता है, ठीक है, मैदा आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से आपको लेना है, जैसे रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे हम ले लिया, अभी हम 8 बनाएंगे एग रोल, इसलिए हम 2 कप मैदा ले लिया। मैदा के साथ मिला लिया नमक थोड़ा और थोड़ा ऑयल, ठीक है। उसके बाद रोटी जैसे इसको लगाना है, जैसे हमारा देख सकते हैं ये लग गया, हम लगा लिया आटा को, मतलब मैदा को, और ज़्यादा गीला भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसको थोड़ा ढक के रख दिया। उसके बाद थोड़ा रोटी जैसे लोई बना लीजिए, उसके बाद इसको बेल के तैयार करना है रोटी जैसा ही, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रोटी का लोई हो गया और इधर हमारा तवा भी चढ़ गया है चूल्हा के ऊपर। तो एक बेल के दिखा देते हैं हम। तो आपको सिंपली ये मतलब रोटी जैसे आपको बनाना है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा सेकना नहीं पड़ता है, ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ मैं, पहले एक गोल बना के दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा तगड़ लगता है क्योंकि ये मैदा है ना, जितना बड़ा करो फिर छोटा हो जाता है, इसलिए अच्छा से थोड़ा टाइम लगा के इसको बेल लीजिए अच्छा से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं तवा भी गर्म हो गया, तो तवा के अंदर दे दिया ऊपर, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सिकना है, ठीक है, ज़्यादा सिकना नहीं है, रोटी जैसा नहीं करना है क्योंकि ये फिर से फ्राई होगा, ठीक है। जब एग रोल बनाएंगे तो उस टाइम भी तेल से ये फ्राई थोड़ा हल्का होगा, इसलिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और बहुत ही इजी है ये, मैं हाथ से कर रहा था, हाथ से मत करना क्योंकि हाथ जल जाएगा, ये खर्ची ले लेना जो है, ठीक है, रोटी सेकने वाला। तो ये सब कर लेते हैं हम लोग। और ये अंडा जो है, अंडा को हम एक गिलास में फोड़ लेते हैं। तो हम बना रहे 3 अंडा से 2 एग रोल, ठीक है, एक ज़्यादा हो जाएगा इसलिए, और एक एग देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हम क्या किया 3 एग से एक साथ फोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको 2 बनाएंगे। और उसमें थोड़ा नमक भी डालना है, ठीक है, याद करके नमक डाल लेना अपने हिसाब से। और तवा के अंदर देख सकते हैं आप, मैं ऑयल डाल दिया हूँ, जो रिफाइंड है उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली थोड़ा जो रोटी सेक के रखा था, ठीक है, मैदा वाला, उसको थोड़ा फ्राई कर लेना है तेल से, ठीक है, इसी तरह आपको करना है। और इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इजी तरीके से कैसे घर में बनाए जाते हैं और दुकान के जैसे ही टेस्टी, ठीक है, टेस्टी बहुत ही अच्छा होता है ये। तो जैसे अभी लॉकडाउन में दुकान वकान खुला नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या किया, हम लोग तो घर में ही बना लिया। जैसे आप देख सकते हैं हम तवा के अंदर थोड़ा तेल डाल के अंडा को ऑमलेट जैसा करना है, ठीक है, इसमें प्याज फ्याज कोई नहीं डालना है, पहले खाली नमक डाल के इसको घोट लेना है, ठीक है। उसके बाद जो पराठा सेक के रखा, ठीक है, उसको इसमें डाल देने का है ऐसे, ठीक है, इसी तरह सेक के। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बगल में जो घंटे वाला बेल है उसको भी दबा दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए, है ना। तो चलिए दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल के अंदर बहुत ही रेसिपी वाला वीडियो भी मिल जाएगा क्योंकि ये मेरा ब्लॉग चैनल है, लेकिन मैं इसमें रेसिपी भी अपना खुद जो बनाता हूँ वो भी डालता रहता हूँ, इसलिए आप देखिएगा, एक फाइल भी होगा उसमें। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, एग रोल, तो एग रोल तो बन गया, मतलब इसमें अभी
हर चीज़ देना पड़ेगा। जैसे आप दिखा रहे हैं, ये देखिए खीरा, प्याज और मिर्ची, ये सब डाल के रखा है मिला के। उसके बाद इसके ऊपर डालना है सिंपल, और एक चटनी होता है, ठीक है, एक चटनी हमारा बनता है लेकिन हम लोग बनाया नहीं, तीखा वाला, ठीक है, वो भी डालना है लेकिन वो तो नहीं डाला है। और सॉस डाल देना का, इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल देना का, और उसके बाद जो काला मिर्च है वो भी थोड़ा हल्का सा डाल देना का है लेकिन हम लोग नहीं डाला है। तो इसी तरह अभी इसको फोल्ड कर लेना है, और पेपर ले लेना है आपको, ये पेपर के ऊपर ही इसको फोल्ड करना है, नहीं तो गिर जाएगा। इसलिए जैसी दुकान के जैसा ही बनता है उसी तरह आपको इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह आप भी बनाइए, बहुत ही इजी है, देखिए कोई झंझट है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बनाने के लिए पेपर थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए पेपर को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और भी बढ़िया रहेगा मुड़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा एक बना के दिखा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्याज जो वगैरह सब रखा हो ये सब डाल देता हूँ, और डालने के बाद इसको सही से फिर ऐसे ही जैसे किया था। इसमें आप चाउमीन भी बना के रख सकते हैं, चाउमीन भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और देखिएगा, और ये चिकन का भी एग रोल होता है, इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो चिकन का मतलब बना के, ऐसे नहीं, चिकन को थोड़ा जैसे चिकन बनाते हैं, ठीक है, बॉयल्ड जो है तो उसको डाल सकते हैं बना के अच्छा तरीके से। हम लोग तो ऐसे ही सिंपली बनाया। तो इसी तरह आप बनाते रहिए और खाते रहिए। लॉकडाउन में तो दुकान खोलता नहीं है इसलिए खाना तो पड़ेगा ही ना, तो घर में बनाइए खाइए, क्या ज़रूरी है बाहर का जाने का, कोरोना खाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए घर में ही बना रहे हैं, घर में ही खाना सब खा रहे हैं, ठीक है। बना बना के कभी भी मतलब मीठा खाने का मन करता है तो हम लोग बूंदी वगैरह भी, मीठा कचौरी ये सब भी बनाता हूँ, ठीक है, हर चीज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमारा तो एग रोल बन के रेडी है, तो आ जाइए खाने के लिए, ठीक है। और चेक करके देख लेते हैं, चेक ना, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब भी बनाइए और खाते रहिए घर के अंदर बाहर के जैसा ही एग रोल। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना एंड सबका ख्याल रखना, ठीक है, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।